अवनी का बसा घर। नील की खुजली तो या अवनी बनी दुल्हन। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर नील का मातम। दुल्हन के जोड़े में जिंदगी की नई शुरुआत नए जीवन साथी के साथ करने जा रही हैं आज अवनी। जी हाँ, क्योंकि दूल्हे राजा अब नील नहीं, अवनी के दीवाने नंबर एक विद्युत बाबू जो बन गए हैं। आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। कहते ना, राक्षस का अंत करने के लिए सीता मैया को भी जाना पड़ा था उनके वहाँ तक। अब एक बॉर्डर को, एक लाइन को क्रॉस करना पड़ा था। सो वही मैं अपनी अभी वही कर रही है, और अपने परिवार को, नील को, सबको बचाने के लिए उसे ये स्टेप उठाना पड़ रहा है और ये जंग लड़नी पड़ रही है। विद्युत का ख्वाब आज हकीकत में बदल गया है। जिसे पाने के सपने देखा करता था, आज वो खुद दुल्हन बनकर सामने खड़ी है। अवनी बिना प्लानिंग के तो यहाँ तक आएगी नहीं, विद्युत के सामने इस तरह से तैयार होके। तो अवनी के दिमाग में है बहुत कुछ, है और बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो जो कि आगे आने वाले कुछ एपिसोड में आपको पता चलेगा। लेकिन ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? अवनी विद्युत की दुल्हन बनने के लिए आखिर राजी कैसे हो गई? भाई पता नहीं, ये तो अवनी ही जाने। You never know, अवनी के दिमाग में क्या है। बहुत कुछ बड़ा ही है। ऐसा है कि अवनी एक लाइन भी बोलती है, हिंट दे देती हूँ मैं आपको, कि ये चिता जलेगी, तो वो किस तरह से जलेगी या क्या होगा वो आपको पता चलेगा। यहाँ अवनी का घर बसा तो वहाँ लुट गई है नील की दुनिया। नील आज मातम मना रहे हैं अवनी की मौत का, लेकिन अवनी ने चली है अपने दुश्मन का नामो निशान मिटाने वाली चाल, वो भी किसी को बिना बताए। विद्युत और मेरे बीच में यही बात हो रही है, विद्युत अपने दिल की बात बताते हैं। मैं उनका पागलपन देख रही हूँ, किस तरह से उन्होंने इतना कुछ किया है अवनी के लिए। एक बुक बनाई है, स्क्रैप बुक बनाई है, बहुत कुछ शायरी लिखी है। सो वो भी बता रहे हैं, और अवनी देख के बहुत ही खराब फील कर रही है कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। दरअसल अवनी के प्लान के मुताबिक वो दुल्हन बनकर विद्युत के साथ रहने का नाटक करेंगी और मौका देखकर लगा देंगी घर को आग, जिसमें विद्युत के साथ साथ उनका ये नया नया रिश्ता भी जलकर खाक हो जाएगा। और किसी लड़की की डेड बॉडी को अवनी अपनी मौत की शक्ल देकर सारी उलझनों से एक झटके में बाहर हो जाएंगी। लेकिन अवनी की इस प्लानिंग से नील बाबू है बिल्कुल अनजान। बेसिकली एक फैमिली का ब्रेकडाउन है, जब पता लगता है कि अवनी अब हमारे बीच में नहीं रही। तो पहले एक नीला माँ नहीं रहती, मर जाती है, मौत हो जाती है उनकी। फिर जो अवनी है वो किसी कारणवश, कारण नहीं बताऊंगा क्यों, बट किसी कारण से वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। देन हमें रिपोर्ट जब आती है तो वे देखते हैं कि यार वो एक्चुअली अवनी है जो अब मर चुकी है। फिलहाल नील और घरवाले अवनी को मरा हुआ मान चुके हैं। तो ट्विस्ट ये भी है कि लीप के बाद देखने को मिलेगा नील और अवनी का दोबारा मिलन, नए रिश्ते और नए अवतार के साथ। अवनी को बचाते वक्त अवनी की मौत हो जाती है, तो ये एक इट कम्स आउट एज अ शॉकर टू अस। वो कैसे होती है मौत, क्या हुई है, ये मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो आई थिंक ये एक मेजर ब्रेकडाउन है शो के लिए बिफोर द लीप हैपेंस। तो वी टेकिंग अ लीप, तो लेट्स सी आगे क्या रहता है। लेकिन लीप से पहले जरा अवनी के आज इस दुल्हन वाली लुक के बारे में पूछ ले, पता नहीं ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। यस, आज तो मैंने पिंक कलर का लहंगा पहना है, और उसके साथ ज्वेलरी अभी तक मैंने पूरी पहनी नहीं है। किसकी जी? नहीं, ये विद्युत पहनाएंगे अवनी को, तो अभी अपनी ये नहीं पहनी है। सो यस,
दैट्स इट। और अपनी क्या आयशा ने मिष्टी ने क्या पहना है? मिष्टी ने पहना है एक स्कूल बैग जिसमें उसका सारा सामान है और अपना फेवरेट हेयर बैंड पहना है, अपने शूज़ पहने हैं। सो मिष्टी पूरी तरह से रेडी है विद्युत को क्या बोलते हैं सबक सिखाने के लिए। देख लीजिए क्योंकि लीप के बाद बदलने जा रहे हैं अवनी के रंग ढंग, जो सास बहू और बेटियां आपको जल्द दिखाएगा। श्रुति बरजात्या, मुंबई आज तक।